सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, सरकारी अराजी बागुजार करवाने के लिए जिले इंतजामिया इन एक्शन। लाहौर के गैर कानूनी व्हाइट हाउस की दीवारें मिसमार, क्रेनू हथौड़ों और भारी मशीनरी से खोकर पैलेस को गिराया गया। पैलेस में मौजूद गंदम की बोरियां, अलमारियां और दीगर सामान उठा लिया गया। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अहमद भट्ट की जेरे निगरानी किया गया। पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद रही। खोखर ब्रादरान के गिर्द घेरा तंग, व्हाइट हाउस का एक और केस बेनकाब। पहले पास नक्शा, फिर मंसूख नक्शा और अब एलडीए का भी मंजूर नक्शा सामने आ गया। 60 किनाल पर मोहित खोखर पैलेस के सिर्फ 9 किनाल अराजी की मंजूरी ली गई। शफी खोखर, अफजल खोखर और सैफ खोखर के नाम 4 नक्शे पास हुए। करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार एलडीए के साबिक डायरेक्टर राय अशरफ ने नक्शे पास किए। लोगों की जमीनों पर कब्जे का इल्जाम, लीगी एमएनए अफजल खोखर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से गिरफ्तार। अफजल खोखर के खिलाफ थाना नवाब टाउन में जमीन पर कब्जे का मुकदमा दर्ज है। मुकदमा बरतानिया में मुकीम मोहम्मद अली जफर की मदियत में दर्ज किया गया। कई साल कबल तारिक महमूद नामी शख्स ने 34 मरला जमीन खरीदी थी। अब इस जगह पर खोखर पैलेस बन चुका है। FIR का मतन, तमाम जायदादें कानूनी है, कोई कब्जा नहीं किया। सैफुल मलूक खोखर की मीडिया से गुफ्तगू। यतीमों और बेवाओं की जमीनें हड़प कर गए, आज तक जो करते रहे इस पर खुदा का खौफ नहीं आया। इंसाफ भी होगा और फाई भी इसी अदालत में लगोगे, चीफ जस्टिस का शफी खोखर से मुकालमा। डीजी एंटी करप्शन को शफी खोखर से तफ्तीश करने का हुक्म। अफजल खोखर की जमीनों को यकजा करने वाले कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी को पेश किया जाए, चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का नया बोर्ड भी तहलील कर दिया। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हेल्थ और एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 2 दिन में जवाब तलब। बोर्ड मेंबरान की तकरारी सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बगैर की गई, चीफ जस्टिस। पायलट्स और कैबिन क्रू की डिग्रियों की तस्दीक के हवाले से आज खुद नोटिस के। सुप्रीम कोर्ट का 28 दिसंबर तक तमाम अफराद की डिग्रियों की तस्दीक का हुक्म। जो वाज़ेह और साफ डिग्रियां फराहम ना करें इसे फारिग कर दें, चीफ जस्टिस। बहुत से पायलट्स और कैबिन क्रू की फराहम करदा डिग्रियां पढ़े जाने के काबिल नहीं, वकील सिविल एविएशन। घरेलू मुलाजमा दो बहनों पर तशद्दुद का केस, साबिक वफाकी वजीर सदीक कांजू का बेटा अमीन कांजू कबराए अदालत से गिरफ्तार। अमीन कांजू ने यास्मीन और साइमा पर चोरी का इल्जाम लगाकर शदीद तशद्दुद किया, वालदैन का मौका। नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। लीगी रहनुमाओं, कारकुनान कायद से इजहार यकजहती के लिए जेल के बाहर पहुंचे, खूब नारेबाजी की। पुलिस के साथ धक्कमपेल, गेट पर लगे बैरियर्स को हटाने की कोशिश। नवाज शरीफ को जेल में डालने वाले जल्द खुद बैरकों में होंगे। पुलिस ने पुरअम कारकुनों पर लाठीचार्ज किया, परवेज मलिक का इल्जाम। कारकुनों ने जेल के बाहर नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। नवाज शरीफ को जेल में बी क्लास की सहूलत। बैरक में टीवी, अखबार, मैट्रेस, 3 कुर्सियों के साथ मेज दस्तयाब। घर से कपड़े, बर्तन और खाना मंगवाने की भी इजाजत होगी। जेल में नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना, डॉक्टरों ने सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। बैरक नंबर 1 में मुंतकिल जुल्फिकार भुट्टो, आसिफ जरदारी, इमरान खान, जावेद हाशमी और ख्वाजा आसिफ इसी बैरक में जेल काट चुके। बेटी की वालिद से मुलाकात, मरियम नवाज की कोट लखपत जेल में अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात। वालिद के लिए घर से खाना, जरूरी चीजें लेकर आई। मुलाकात जेल हुक्काम की निगरानी में करवाई गई। 1 घंटा जारी रही मुलाकात, महकमे दाखला। आमदन से जायद असासाजात और साफ पानी कंपनी स्कैंडल केस, हमजा शहबाज को कल नैब लाहौर ने तलब कर लिया। हमजा शहबाज नैब टीम के सामने पेश होकर सवालों के जवाब देंगे।
गवर्नर हाउस में योम कायद और क्रिसमस के हवाले से खसूसी तकरीब, गवर्नर, वजीर आला और सूबाई वजरा की शिरकत, मिलकर केक काटा गया। गवर्नर पंजाब ने कहा, ऐसे पाकिस्तान के लिए कोशा है जहां सबको हकूक मिले। नए पाकिस्तान में हमें इंसाफ के तकाजों को पूरा करना है। नून लीग की जानिब से मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में काय डे पर केक काटने की तकरीब, परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज चौधरी, शहबाज और डिप्टी मेज की शिरकत। सीसीपी ऑफिस में भी काय डे पर केक काटने की तकरीब, जिना अस्पताल के डॉक्टरों ने कायदे आजम के यौम पैदाइश पर केक काटा। क्रिसमस आलमी मोहब्बत और भाईचारे का त्यौहार, बरकी कुमकुमों से सजे घर और जगमगाते क्रिसमस ट्री, कहीं तोहफों के ढेर तो कहीं लजीज खाने और केक। मसीह बरादरी ने अपना मजहबी त्यौहार जोश खरोश से मनाया। आइसक्रीम के शौकीन अफराद खबरदार होशियार, आवाम को ठंडे और मीठे के नाम पर जहर खिलाया जाने लगा। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट्स पर छापे, 34,368 लीटर फेलशुदा आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट मार्केट से हटवा दी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं, आइसक्रीम में गंदे पानी, जानवरों के फुजले में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पाए गए। मुझसे सेहत खुराक भेजने वालों की पंजाब में कोई गुंजाइश नहीं। और 27वें कौमी रोलर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जिमनेजियम हॉल में शुरू, सुबाई वजीर सनत व तजारत मियां असलम इकबाल और वजीर खेल राय तैमूर ने इफ्तिताह कर दिया। खिलाड़ियों के कौमी परचम थामे परफॉर्मेंसेस।